राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बरकरार है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 75 दिन बाद अब भी पाकिस्तान डरा हुआ है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वायुसेना ने अपने 3 होम एयरबेस से F-16 विमान हटाकर इन्हें अलग अलग एयरबेस पर तैनात किया गया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय सीमाओं पर फाइटर प्लेन की तैनाती के साथ ही पाकिस्तान सेना ने सियालकोट क्षेत्र में टैंकों और बख्तरबंद रेजिमेंट की भी तैनाती की है। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान वायुसेना चीफ मुजाहिद अनवर खान के बीच पिछले एक महीने में 4 बार मुलाकात हुई है। वायुसेना चीफ ने इमरान को मौजूदा हालात के बारे में बताया था। भारत ने भी पाकिस्तान के इस कदम को देखते हुए सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। इनमें एडवांस आर्म फोर्स की तैनाती भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के साथ में पंजाब और राजस्थान की सीमा पर स्थित भारतीय वायुसेना स्टेशन पर SU-30 MKI लड़ाकू विमानों के डिकॉय तैनात किए गए हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें।